हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र। मैं नीता शाह फ्रॉम संस्कारी नगरी बड़ोड़ा। हार्टली थैंक्स टू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स टू माय डियर एंड नियर शेफ फ्रेंड प्रीति पटेल फॉर सजेस्टिंग माय नेम इन दिस सेशन। एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज राइट यस। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बड़ोड़ा का स्पेशल हांडवा बनाएंगे जो बड़ोड़ा में बहुत ही फेमस है और पूरे गुजरात स्टेट पे भी फेमस है। बट उस हांडवे को आज मैं एक इनोवेटिव रेसिपी के तौर पे आपके सामने लेके आई हूँ। हम हांडवा तो बनाएंगे बट वो हम बेकिंग हांडवा बनाएंगे जिसे मैंने नाम दिया है चीजी कॉर्न कपकेक हांडवा। वो मेरा सेवरी हांडवा होगा, सेवरी कपकेक होगा। जैसे कपकेक हम स्वीट खाना पसंद करते, ऑलवेज बेकिंग में कपकेक स्वीट होते हैं, बट आज हम जो कपकेक बनाएंगे चीज कॉर्न कपकेक हांडवा वो सेवरी मफिन्स होगा। उसे आप चाय कॉफी के साथ, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, सूप के साथ, किसी के भी साथ में आप उसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हांडवे के लिए आपको मेरे इंग्रेडिएंट्स मिलवा देती हूँ। हांडवा बनाने के लिए हमने ये हांडवा बैटर लिया है, बट इसकी प्रोसेस में आपको आफ्टर इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। इसके अंदर हम क्रस्ट, बॉइल एंड क्रस्ट किए हुए कॉर्न लेंगे, चीज और कॉटेज पनीर यानी कि पनीर है, अमूल का हमारा प्योर घी है, हांडवा का रो जो फ्लावर आता है वो है, चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स है, ड्राई नीम लीव्स है, चॉप किए हुए ग्रीन चिली है, बेलीफ है, बेकिंग सोडा है, सीसम सीड यानी तिल है, राई है, जीरा, हींग, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट एंड सुगर है। और इसमें हमें जरूर होगी तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये हांडवा का बैटर मैंने कैसे तैयार किया है वो आपको बता। उसके लिए मैंने 1 स्मॉल बाउल हांडवा फ्लावर आता है और हम घर पे भी बनाते हैं उसको मैंने लिया है। लाइक बिग बाउल हो तो हाफ बाउल है। इसके अंदर राइस, चना दाल और तुवेर दाल का मिश्रण होता है। राइस का लेवल 3 पार्ट होता है, चना दाल 2 पार्ट होता है और 1 पार्ट हमारा तुवेर दाल होता है। इन तीनों को ड्राई रोस्ट करके फिर आप या तो फ्लावर घंटी जो होती है बाजार में हमारी, वहां पे आप पिसा सकते हैं या फिर हम घर की घंटी में भी इसको पीस सकते हैं। तो ये मैंने, और ये जैसे हमने ड्राई फ्लावर है तो हम आराम से इसको 3-4 महीने तक इस तरह से पीसे हुए फ्लावर को, हांडवा का ड्राई फ्लावर लिया है। उसके सामने हमने हाफ कप जितना ये अमूल का मस्ती दही डाल के हमने इसको 4 घंटे के लिए भिगो के रखा है। तो 4 घंटे के बाद हमारा बैटर इस तरह से हो जाएगा। हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, इसको सिर्फ हमने ड्राई फ्लावर को और दही डाल के भिगोया हुआ है। ये भिगोने से क्या होता है कि राइस फ्लावर, चना दाल और जो तुवेर दाल होती है उन सबको हम अच्छे से सोक कर देते हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो अब हम इसमें आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसमें बॉइल और क्रश किया हुआ स्वीट कॉर्न है वो हम यहाँ पे हाफ बाउल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ड्राई सीजनिंग कर देते हैं। उसके लिए मैं 1 टीस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1-2 टीस्पून जितनी शुगर ऐड करते हैं क्योंकि गुजराती पीपल खट्टा मीठा खाने के लिए ऑलवेज फेमस है। अगर आपको शुगर पसंद नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 2 टीस्पून जितना डाल रही हूँ। यहाँ पे हम चॉप चिली लेंगे क्योंकि मुझे बैटर को येलो से कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा बैटर
कर्ड की वजह से थोड़ा ठीक हो गया है, इसलिए पहले हमें मिक्स करके फिर हमें जितना पानी ऐड करना है उतनी रिक्वायरमेंट में हम पानी डालेंगे। गुजरात में हांडवा बहुत फेमस है और स्पेशल बड़ोड़ा में तो बहुत ही, बड़ोड़ा में तरह तरह के हांडवा सेंटर भी चल रहे हैं और वहां पे लॉट्स ऑफ वैरायटी के हांडवा होता है। ये जो मैं बेकिंग हांडवा बना रही हूँ ये मेरी स्पेशलिटी है। मैं लास्ट 10 ईयर से बड़ोड़ा में कुकिंग एंड बेकिंग के क्लासेस चलाती हूँ, मेरी क्लास की रेसिपी और ये मेरी स्टेट लेवल पे विनर रेसिपी भी है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसका बैटर थोड़ा पॉडिंग कंसिस्टेंसी, जैसे हम केक का बैटर लाते वैसा करना है। थोड़ा पानी हम और डालेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें कॉरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स को चॉप करके रखा है वो हम डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना डाल रही हूँ। वापस से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसको बेकिंग करना है इसलिए हम इसमें बेकिंग सोडा का यूज करेंगे। आइदर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं और आपके पास इनो है तो आप वो भी डाल सकते हो। अभी मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ले लूंगी। और थोड़ा सा सीसम सीड्स अभी हम अंदर डालेंगे, बाकी थोड़ा हम तड़का लगाएंगे उसमें ऐड करेंगे। वापस मिक्स कर रही हूं। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। आपको पानी का लेवल एक साथ ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने जो क्रस्ट कॉर्न डाला है उसमें से भी उस पानी निकलता है, या हम दूधी वगैरह जो भी यूज करते हैं लाइक वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, ककड़ी यूज कर सकते हैं, कैबेज यूज कर सकते हैं, स्पिनच यूज कर सकते हैं, तो उस वो ऐड करने के बाद भी उसका पानी निकलता है। तो हमें धीरे धीरे पानी ऐड करना है ताकि हमारा ज्यादा बैटर लिक्विड ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा केक के जैसा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैं एक पैन को गैस पे रख रही हूं। आप ये हांडवा ऑयल से भी बना सकते हो, बटर से बना सकते हो, घी से बना सकते हो, बट मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और गुजरात में बरसों से बचपन से रही हूँ। हमारे यहाँ पे घी ज्यादा यूज होता है और हम ऑलवेज अमूल ब्रांड का ही घी यूज करते हैं। तो अभी मैं 2 टेबलस्पून जितना घी पैन में डालूंगी। अब ये घी गरम होगा तब उसके अंदर हम जो खड़े मसाले लाइक राई है, जीरा है, हींग है, वो सब ऐड करेंगे। और ये हांडवा हमने दही में भिगो के बनाया है तो ये हांडवा आराम से 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हो। ट्रैवलिंग में भी जा रहे हो आप तो उसमें भी साथ में कैरी करके ले जा सकते हो, लाइक बच्चों को आप टिफिन बॉक्स में भी दे सकते। इसलिए मैंने ये इस रेसिपी सिलेक्ट की है क्योंकि जब हमारे यहाँ पे गुजरात में जो हांडवा बनता है वो बड़ा सा टीन होता है, हांडवा का कुकर उसमें बनाया जाता है, बट आजकल फैमिली बहुत छोटी होती है, इतना बड़ा टीन और उसके अंदर इतनी क्वांटिटी का हांडवा यूज भी नहीं कर पाते। उसके बाद बरसों से अभी पैन हांडवे की फैशन निकली, कढ़ाई हांडवा, पैन हांडवा, तो उसमें हम जैसे हम पैनकेक वगैरह बनाते वैसे हम बनाते, तो उसमें से मैंने इनोवेशन करते हुए बेकिंग हांडवा बना रही हूँ और ये कपकेक हांडवा सर्व कर रही हूँ। घी गर्म हुआ है, अब हम उसमें 1/2 टीस्पून जितना हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम राई डालेंगे। इसमें राई का लेवल अच्छा होता है। गैस को स्लो कर तिल्ली डाल रहे हैं, यानी सीसम सीड्स डाल रही हूँ। इसमें हमने थोड़े से चॉप किए हुए छोटे छोटे पीस में बे लीफ रखे वो डालेंगे और 2 लौंग के पीस डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। और हम इसमें ड्राई नीम लीव्स भी डाल रहे हैं, आप फ्रेश भी डाल सकते हो।
अब हम ये तड़के को बंद कर रहे हैं, इसमें से आधा तड़का हम अपने बैटर में डालेंगे और ऊपर से जब हम कपकेक में सेट करेंगे तब ग्रीस करने के लिए ऊपर से थोड़ा रखेंगे। थोड़ा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस ये हांडवा तैयार होता है। अब ये बैटर को हम कपकेक यानी कि जो मफिन्स का मोल्ड आता है उसमें अरेंज करेंगे। लाइक मेरे पास ये मफिन्स का मोल्ड है तो मैंने उसके अंदर बटर पेपर रख दिया, बटर कप जो आते वो रखा है। अब उसके अंदर हम ये हमारा जो हांडवा बैटर है वो पॉर करेंगे। उसके लिए हमें ये हाफ भरना है, हमें फुल फिलअप नहीं करना है। अब जो हमने ये तड़का रखा है थोड़ा वो भी ऊपर से डाल देंगे ताकि हमारे जो कपकेक बने उसके ऊपर थोड़ा ग्रीसिंग भी हो जाएगा। आप चाहो तो बटर से भी ये प्रोसेस कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं जैन हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे गार्लिक के बिना ये हांडवा तैयार किया है। अगर आप रेगुलर खाना पसंद करते तो इसमें आप गार्लिक का भी फ्लेवर दे सकते हो, क्योंकि जब हांडवा बेक हो जाएगा उसके बाद हमें गार्निशिंग करने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम ऊपर से भी ये डाल रहे हैं। गार्निशिंग भी हो जाएगा हमारा और ऊपर एक अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये हांडवा कपकेक का बैटर हमने मफिन्स मोल्ड में डाल के रेडी कर दिया है। अब जनरली क्या होता है कि हांडवा तो ये आप कढ़ाई में भी बना सकते हो, गैस पे आप ओटीजी में भी बना सकते हो, ये माइक्रो में भी बना सकते हो। मैं ऑलवेज जब क्लास में सिखाते तो हम तीनों में डेमो देते, बट ऑलवेज स्टूडेंट जब भी हमें बताते हैं कि मैडम हमने माइक्रो लिया है बट हमें यूज करना नहीं आता है। कप ना हो तो डायरेक्ट मोल्ड को ग्रीस करके हाँ, उसे कर सकते हैं जरूर। आपके पास अगर ये बटर कप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोल्ड को हल्का सा घी या बटर से ग्रीस कीजिए और ऊपर से हल्का सा आप फ्लावर से डस्ट कर दो और उसके बाद आप इसको बैटर को डालिए। ये कपकेक डालने का रीजन एक ही है कि हम इसे इजीली पूरा एक निकाल सकते हैं और हमें टिफिन बॉक्स में या कहीं पे भी कैरी करके ले जाना है तो हम इसे साथ में ले जा सकते हैं। अब आज मैं ये हांडवा आपको माइक्रोवेव में बेक करके दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलवेज लोगों को माइक्रोवेव बेकिंग नहीं आता है। आप ओटीजी में बेक करोगे, गैस पे करोगे, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, बट आज हम ये कपकेक माइक्रोवेव में बेक करेंगे। तो माइक्रोवेव में आपको 160 टू 180 टेम्परेचर हमारा ऑलवेज बेकिंग का रहता है। तो आप जैसे टेम्परेचर हाई कर रहे हो तो आपको टाइम लिमिट कम देना है और आप टेम्परेचर लो रख रहे हो तो आपको टाइम लिमिट ज्यादा देना है। तो मैं ये हांडवा अपना जो कपकेक है वो मैं 170 पे 25 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। आपको पहले मैं कन्वेक्शन ऑन करके आ जाती हूँ माइक्रोवेव का। गैस एंड ओवन पर कितने टाइम? हाँ फ्रेंड्स, गैस पे भी आपका ये कपकेक आप कढ़ाई में रख सकते हो, क्योंकि आप जब गैस पे बेक कर रहे हो तो आइधर आपके पास पैन या कढ़ाई कोई भी इससे बड़ा होना चाहिए ताकि हमारा ये जो कपकेक का मोल्ड है उसके अंदर इजीली हम रख सके। और अगर आपके पास फ्रेंड्स ये कपकेक नहीं भी है तो आप मफिन्स के भी मोल्ड आते हैं सिलिकॉन के बाजार में, तो वो भी आप ले सकते हो और उसमें भी आप बना सकते हो। बट ऑलवेज बेकिंग
एल्यूमिनियम टीन में हम करते तो उसका रिजल्ट बहुत परफेक्ट आता है और बहुत अच्छा आता है। अभी हमने यहाँ पे 170 पे अभी माइक्रो के कन्वेक्शन मोड को हमने प्रीहीट करने के लिए रखा है। जैसे ही प्रीहीट का बजर बजेगा उसका एक आवाज आएगी बीप करके, तब हम अपना ये मोल्ड अंदर रख देंगे। ओटीजी का क्या टेम्परेचर रखना है? ओटीजी में भी आप सेम टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हो। आइदर आपने 170 रखा है तो 25 मिनट्स या 30 मिनट्स में आपका बेकिंग हो जाएगा। अगर आप 160 रख रही हो तो आपका बेकिंग करते करते 35 टू 40 मिनट्स होगा, और अगर आप 180 रख रहे हो तो आपका बेकिंग 20 टू 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। बट ऑलवेज बेकिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि हम जितना टेम्परेचर कम रखेंगे वो धीरे धीरे बेक होके उसका जो रिजल्ट होता है फ्लफी वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो हमारा जो माइक्रोवेव ओटीजी कुछ भी, तो उसके अंदर इंडिकेशन होता ही है कि आपको बेकिंग करना है, आपको ग्रिल करना है, आपको कुकिंग करना है, क्या करना है, तो उसी पे आपको जाके आपको चेक करना है कि आइदर आपको बेकिंग करना है, लाइक बेकिंग में आपको ये कपकेक, बार केक, केक कोई भी करना है, तो आपको 160 टू 180 के बीच में टेम्परेचर सेट करना होगा। अभी हमने हांडवा को मफिन्स मोल्ड में डाला है और हम यहाँ सेवरी मफिन्स बना रहे। आप चाहो तो ये हांडवा बैटर को बार टीन आते हैं, लाइक अपने जो ब्रेड के टीन आते हैं, तो आप उसमें पूरा एक ब्रेड लॉफ जैसा आपका बाहर आएगा और उसको फिर आप पीस कर करिए तो आपका बार केक हांडवा तैयार हो जाएगा। बट ऑलवेज सब लोगों को स्वीट मफिन्स खाने की आदत है, इसलिए हमने की सेवरी मफिन्स का आइडिया हमारे क्लास में लॉन्च किया था लास्ट 10 ईयर्स बिफोर, और 5 ईयर्स बिफोर ये मेरी रेसिपी स्टेट लेवल पे विनर भी बनी थी। अभी हांडवा में आप तरह तरह के वेरिएशन कर सकते हैं, लाइक बड़ौदा में हमारे यहाँ दूधी का हांडवा, मेथी का हांडवा, लहसुन या हांडवा, फिर मिक्स वेजिटेबल हांडवा, कॉर्न का हांडवा, बहुत सारा बनता है। तो आज मैंने यहाँ पे क्रीमी चीजी कॉर्न हांडवा बना रही हूँ। इसी तरह से आप तरह तरह के आपको जो भी मिले, लाइक आपको स्पिनच वगैरह मिलता है तो आप स्पिनच बैटर को इसके अंदर डाल दो, स्पिनच की पेस्ट को, तो आपका ग्रीनिश कलर का हांडवा, लाइक आपके पास बीट का पल्प है तो आप उसको डाल दीजिए अंदर, तो आपके पास रेड कलर का हांडवा तैयार होगा। हमें इसमें कोई कलर, फूड कलर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नेचुरल हांडवा प्रिपेयर कर सकते हैं। बोलना एनी क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोवेव में 170 मैंने रखा था तो वो प्रीहीट हो गया, तो हम अपना ये टीन वहाँ ओवन में रख के आते हैं। आपको हम बता रहे हैं वहां पे ले जाके, देखिए 170 पे प्रीहीट हो गया। मैं माइक्रोवेव को खोल रही हूँ और मैंने अंदर एक रैक रखा है, उसी पे हम अपना ये टीन सेट कर देंगे। हम ओवन को, माइक्रोवेव को बंद कर रहे हैं। अभी 170 पे अपने आप वर्क करेगा, हमें इसको टाइम लिमिट देना है। मैं 25 मिनट्स दे रही हूँ। मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक माइक्रोवेव स्टॉप हो जाएगा। हमें आके चेक करना है और अंदर टूथपिक डाल के हमें देख लेना है कि माइक्रोवेव में हमारा हांडवा अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टूथपिक, आपका नाइफ थोड़ा स्टिकी आ रहा है तो आप 1-2 मिनट उसमें बढ़ा सकते हो। आप देखोगे तो आपको जजमेंट अपने आप आ जाएगा। तो ये बेक हो रहा है, हमने पहले से भी बेक करके रखा है हांडवा, तो मैं आपको वो भी बता रही हूँ। और अगर टाइम होगा तो हम बेकिंग किया हुआ भी हांडवा आपके पास ले आएंगे। कपकेक हांडवा बनेगा, इसे आप ब्रेकफास्ट में अच्छे से ले सकते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट। उसके साथ में आप अमूल का दही वगैरह या लस्सी कुछ भी सर्व कर सकते हो। लाइक आपको दोपहर में टी टाइम के साथ में लेना है तो आप चाय कॉफी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो। लाइक आपको डिनर में लेना है हांडवा तो आप इसे सूप के साथ में बहुत अच्छे से इसको सर्व कर सकते हो। तो ये हांडवा फुल ऑफ न्यूट्रिटिव है क्योंकि इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट, अपना फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब कुछ मिलेगा क्योंकि हमने डेयरी प्रोडक्ट भी यहाँ पे यूज किया है। हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमने डाला है, कॉर्न वगैरह डाला है, तो बहुत ही हेल्दी हांडवा है और इसे आप 2-3 दिन 4 दिन तक भी स्टोर कर सकते हो। गुजरात में जब सातम मनाई जाती है, यानी कि रांधन छठ जो बोलते हैं, अगले दिन बना के सेकेंड डे खाना होता है, ठंडा खाते हैं,
तो यहाँ पे गुजरात में ये चीज ऑलवेज बनती है, क्योंकि ये हांडवा हम 3-4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। हम इजीली इसको ट्रैवलिंग में भी साथ ले जा सकते हैं। तो अभी हमने जो हांडवा से प्रिपेयर करके भी रखा है उसका मैं आपको पहले बता देती हूँ सर्विंग। मम्मी कैन यू कीप मेटालिक कंटेनर इन माइक्रोवेव? यस, हम अगर ओटीजी पे वर्क कर रहे तब तो मेटालिक एल्युमिनियम जाएगा, और अगर माइक्रो में हम कन्वेक्शन मोड पे वर्क कर रहे तो उसमें भी आपका मेटालिक कंटेनर आराम से जाएगा। मैं लास्ट 8 ईयर से माइक्रोवेव यूज करती हूँ, ऑलवेज मैं माइक्रो में माइक्रो मोड पे अपना जो ग्लास कंटेनर होते वो यूज करती हूँ, और जब हमें कन्वेक्शन मोड पे बेकिंग करना है तो मैं उसमें मेटालिक कंटेनर यानी कि एल्यूमिनियम के जो कंटेनर आते हैं वो यूज करती हूँ। ये मैंने पहले से हांडवा बेक करके रखा है, आप देखिए दिखा रही हूँ, ये हमारा हांडवा इजीली बाहर आ गया है, और हम इसे कपकेक बटर कप के साथ ही हमने, आप इसे इजीली ब्रेकफास्ट में बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो। तो हमारे ये कॉर्न कपकेक हांडवा बेक होके रेडी है, अब हम इसका प्लेटिंग करते हैं। पहले ही मैं सारे अपने कपकेक को एक प्लेट में निकाल रही हूँ। आराम से 25-30 मिनट्स में आपका बेकिंग हो जाएगा, सिर्फ आपको टेम्परेचर टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, और एक बार हमने जो टाइम लिमिट दिया उसके बाद हमें चेक कर लेना, 99% हमारा बेक हो ही जाता है। बट कभी हमने बैटर थोड़ा लूज कर दिया है, कभी हमने थोड़ा ज्यादा ड्राई कर दिया, तो टेम्परेचर आगे पीछे हो सकता है। तो ऑलवेज आप ध्यान रखिए, हमने अभी कपकेक की जो जैसे बनाते हैं स्वीट कपकेक यानी हमारे बेकिंग के, उसी तरह से हमने सेवरी कपकेक बनाया है, और जैसे हम कपकेक में हमारा जो केक का पॉरिंग कंसिस्टेंसी होता है वैसे ही हमने यहाँ पे बैटर को रखा है। सिर्फ हमने इसके अंदर कॉर्न वगैरह जो हमको डालना है वो हमने डाल के थोड़ा सा वेरिएशन किया है। बहुत इजीली निकल जाता है और ये आराम से स्टोर भी हो सकता है। इसके अंदर जब हमने ये बैटर बनाया तो आप उसके अंदर भी चीज डाल सकते हो, या जो पनीर हमने लिया हुआ है तो वो पनीर भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। अभी मैंने अब जो मेरा ये रेडी हो गया तो उसके ऊपर मैं चीज और पनीर से थोड़ा गार्निश कर दूंगी। लाइक मैं थोड़ा पहले पनीर यूज कर रही हूँ, अंदर भी आप डालोगे तो आप अंदर ध्यान रखिएगा, अंदर आप पनीर यानी कि कॉटेज चीज डालिए बैटर में, और ऊपर से आप प्रोसेस चीज यानी कि कुकिंग चीज आता है उससे आप गार्निश कीजिएगा। तो और उसके बाद भी आपका बनने के बाद लाइक आपका लास्ट 5 मिनट्स या 2 मिनट्स रह रहा है तो आप उससे ऊपर से आप चीज डाल दीजिए, और फिर वापस 2 मिनट के लिए वही मोड पे अपना आप वर्क करोगे तो चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगा आपका। एक पीस कपकेक से निकाल के शो करो। हाँ, देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कपकेक का ही स्टैंड लिया है, हम इसी पे अरेंज करेंगे, और उसके साथ में हमने टोमेटो केचप, अमूल मस्ती का हमारा प्लेन दही जिसमें हमने सिर्फ थोड़ा सा चिली पाउडर डाला है वो सर्व किया है, टोमेटो केचप हमने सर्व किया है, और हमने यहाँ पे अपना ग्रीन चटनी यानी कि जो कोरिएंडर और हम
धनिया एंड पुदीना यानी कोरिएंडर एंड मिंट लीव से जो बनाते हैं वो सर्व किया है। ऊपर हम अपना कपकेक रखेंगे, चीजी कॉर्न कपकेक रखेंगे, ऊपर से हम थोड़ा सा मिंट लीव्स डालेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको एक कपकेक आपकी डिमांड है, मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूं। देखिए फ्रेंड्स ये कितना स्पॉन्जी कपकेक हमारा तैयार हुआ है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, कागज भी अपने आप बाहर निकल गया। जैसे हम मफिन्स के लिए पेपर को हटा के मफिन्स खाते वैसे ही हमारा पेपर कप का भी निकल गया है और आप इजीली ये खा सकते हो, एकदम ड्राई और अच्छे से बेक हो गया है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये कपकेक हांडवा और एक साथ में मैंने पैन हांडवा भी बना के रखा है, लाइक हमारे गुजरात में पैन हांडवा भी बनाया जाता है तो मैंने उसको भी पहले से प्रिपेयर करके रखा था। और ये हमारा कपकेक हांडवा, चीजी कॉर्न कपकेक हांडवा हमारा बन के तैयार है। आप देखिए अभी हमने यहाँ पे चटनी और हमने केचप और दही के साथ सर्व किया है, आप टी कॉफी के साथ भी आराम से सर्व कर सकते हो। तो रेडी है हमारा इजी एंड इंस्टेंट यम्मी एंड डिलीशियस प्योर होममेड चीजी कॉर्न कपकेक हांडवा यानी कि सेवरी मफिन्स। ये मेरी स्पेशलिटी है, आप सबको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, आप जरूर से बनाइए और फेसबुक पे भी अपलोड कीजिए और उसमें मुझे टैग कीजिएगा। और आपको ऐसी इजी और इंस्टेंट रेसिपी और देखनी हो तो आप मेरी सुबनाओ ऐप करके जॉइन है, उसकी मैं फूड ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो आप उस पे जाके भी रेसिपी देख सकते हो। और यूट्यूब पे नीता स्पेशल फूड करके मेरा पेज है, उसको भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हो और उसमें भी आप अपनी व्यूज और कमेंट्स दे सकते हो ताकि हम अपनी अपनी रेसिपी आगे भी अच्छी अच्छी लेके आएंगे। थैंक्स टू अमूल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये लाइव सेशन पसंद आएगा और आगे भी आप मुझे इस तरह से अपॉर्चुनिटी देते रहोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।